ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅੰਨੀ ਦੀਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਰ ਤਾਂ ਲੰਮੇ ਪੈਣ ਆਈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਲਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਜਲਨ ਤਾਰੇ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਯਾ ਤੁਸੀਂ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਬਚਾਓ ਬਚਾਓ ਇਹ ਮਤਲਬ ਦਿਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ मुझे बहुत गंदी गालिया आती हैं, पर मुझे मजबूर कर दिया जाता है देने को मैं कहना नहीं चाहती तो इसलिए कि मेरी एक ये मैसेज भी है कि अपने दिल को आप बिल्कुल इस तरह बच्चे की तरह ही रखें दिल, दिल तो बच्चा, बच्चा है जी हाँ हाँ हा। मेरे तो कितने बच्चे हैं जी ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੁਪਰਸਟਾਰ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਐਂਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਕੈਜੂਅਲ ਜਿਹੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਨ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁੰਗੁਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਰੀ ਸਾਹਸੋਂ ਮੇਂ ਆਜ ਤੱਕ ਉਹ ਹਿਨਾ ਕੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਹਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮੈਡਮ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕਮ ਵਾਲੇਕਮ ਅਸਲਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲਬੇਲਾ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਸਰੂਫ ਬੜੇ ਸੀ ਕਦੀ ਪਿੰਡੀ ਕਦੀ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਕਦੀ ਗੁਜਰਾਲਾ ਐਸੇ ਐਸੇ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਅਬ ਹਮ ਸਾਥ ਮੇ ਅਭੀ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ और अब मैं आपके सामने हूँ तो हाँ, हा, हाँ दिल आपको बचपन ही वाले रखना चाहिए क्योंकि अगर आपका अंदर का बच्चा मर जाएगा तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते तो इसलिए कि मेरी एक मैसेज भी है कि अपने दिल को आप बिल्कुल इस तरह बच्चे की तरह ही रखें दिल तो बच्चा है जी हाँ हाँ मेरे तो किन्ने बच्चे है जी माशा तो मैडम जी वैसे ज़्यादातर ड्रामा में देखिए लाहौर वैसे तो सारे थिएटर से किया है ज़्यादातर अल्फिला थिएटर काम करते हो जी यु खास वजह एक्चुअली मैं अल्फा की बाउंड हूँ अच्छा और उस वजह से मुझे अल्फिला में काम करना पड़ता है और वैसे भी मतलब कि मेरा दिल भी यहाँ पर लगता है लेकिन ये कि मैंने महफिल भी किया है तमासिल भी किया है तो नेक्स्ट इन शायद मुझे मुख्तल जगहों पर भी देखेंगे तो

जी उन्होंने आई थॉट के आई थिंक उन्होंने uh, पहले स्टार्ट अपना जो था वो ड्रामे से किया था तो ये तो हो गई हमारे चेयरमैन साहब अरशद साहब की बातें तो वापस हम अपने पे आते हैं <laughs> अच्छा ड्रामे उसी पंज... पंजाबी बोल दे सड़ना इतना उर्दू बोल दे तो घर ना तो पशतु बोल दे <laughs> पंजाबी घर में आ, मतलब कि ज़्यादातर भी फैमिली में उर्दू बोली जाती है और पशतो जब वो बोल रहे थे तो बीच में अपनी टांग में जरूर अड़ा देती हूँ समझ लेती हूँ पश्तो में समझ आ जा जाती है और अरबाज़ और बच्चों के साथ भी जो है कि उर्दू ही चलती है माशाल्लाह खूबसूरत हीरो भी फनकार भी बड़े अच्छे और पंजाबी आपको याद होगा कि जब मैं मुल्ताना ना शुरू हुई तो आप लोगों के साथ ही मैंने स्टार्ट किया आ, था जी, जी, तो जब मैंने आप लोगों के साथ स्टार्ट किया तब मुझे प्रॉपरली पंजाबी नहीं आती थी तो जवार बलोच के ड्रामे हम लोग इकट्ठे करते थे तो जब करते थे तो वहाँ पे ही मुझे उन्होंने हीर रांझा ड्रामा जब मैंने किया सनम जान किया काफ़ी सारे उनके ड्रामे किए तो वहाँ से मुझे पंजाबी स्टेज पर बोलना आया हाँ मैं देखिए गुस्सा हो पंजाबी गाला भी कट हाँ तो फिर तो रूटीन में आ गई ना मैं वो नहीं आपने वो टिकटॉक पे देखा मुझे बहुत गंदी गालियाँ आती हैं पर मुझे मजबूर कर दिया जाता है देने को मैं कहना नहीं चाहती तो। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक ना है मुल्क तो बहर भी बड़े ड्रामे भी किए शो भी किए तो कड़े हीरो ना ज़्यादा बेहतर लगा काम करना आ, ड्रामे की बात करेंगे फिल्म की फिल्म फिल्म जो है फिल्म मैंने तकरीबन सबके साथ किया काम फिल्म में शान के साथ किया ममा राना के साथ किया रैम्बो के साथ किया वजली अरबाज़ के साथ साउथ के साथ सबके साथ काम किया सब बहुत प्यारे फ्रेंड हैं और मतलब कि कोई ऐसा फील नहीं आती कि मतलब कि यार ये कौन है ये एटीट्यूड दिखा रहा है ये क्या बात है तो मोमर भी बहुत अच्छा फ्रेंड है रैम्बो भी बहुत अच्छा है तस, मतलब कि हम लोग जैसे काम करते हैं तो वो आ, काम नहीं लगता हम लोग लगता है ऐसे घर में बैठे हम लोग बातें करते हैं बंदा खुद अच्छा सारे ही अच्छे होंगे गए

कोरोना हाँ, नहीं, नहीं, भी एक रहता है गाना भी हम लोगों ने करना इसका, जिस माजिद है जिसमें आगा जी हैं इफ्तार साहब हैं सलीम है आ, तो बहुत ही अच्छा ट्रैक है हमारा बाजरे की राखी में तो बड़ा मजा आता रहा शूटिंग करते रहे जब हम लोग

सीटा भी घट बिक ने टिकट भी घट लोग घट्ट आते जितने भी गए हो पिंडी गुजराले टिकट बिक ये जी ये मेरे जो फैंस हैं उनको मैं थैंक्स बोलूँगी कि वो मुझे लाइक करते हैं और मुझे पसंद करते हैं और फैंस के दम के ऊपर हम लोग हैं जब हमें ये लोग तो पसंद करते हैं तो ओबियसली उनके लिए हमें मेहनत करनी चाहिए उनके लिए हमें नया सा नया काम लाना चाहिए कि वो देखने में आते हैं हम उनको नया काम नहीं देंगे तो हमें कैसे देखेंगे बिल्कुल ठीक है

<laughs> नहीं नहीं सकते नहीं। <laughs> तो एक डांसर नहीं कहते जूनियर आर्टिस्ट कहने की बिल्कुल, बिल्कुल।, और ये बड़े अच्छे कलाकार बिल्कुल ओ, ओ, एनर्जी मिलती है जो करी पर ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਆ। ਉਹ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨਸ ਕਾਬਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਸ ਕਾਬਿਲਵੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਧੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, achhi ho rahi hai. ਤੇ ਇਹ ਨਿਗਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਚੁਕਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਰ ਚੁਕਨਾਂ ਨੇ ਸਿ ਆਂਦਾ। तो हूँ सेकेंड मेरे जो उसाद ने अहमद खान साहब ने ते उस तो बाद जड़े भी लड़के ने सब अहमद ने मौका दता अहमद अगे आया ना आ, <laughs> क्यों नहीं क्यों नहीं अच्छा है। और बकाया जो दूसरे ने कालू जमीर अब्बास है माशा बहुत अच्छा काम करता है वो भी और उसके साथ भी हमने काम किया है बट ज़्यादा नहीं किया लेकिन जितना भी किया बहुत अच्छा किया है कहालू भी हमारा बहुत अच्छा कोरियोग्राफर है

ਤੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਹਾ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ ਉਹ ਖੁਦ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਫਨਕਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਬਿਲਕੁਲ اسی ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ اسی ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਡ्रेसेस ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜਾਂ দাম ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਈਟਮ ਸੌਂਗ ਵੀ ਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਡਰੈਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਡਰੈਸ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਸ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜੋ ਡਰੈਸ ਹੈ ਕਮਸ ਕਮ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦਾ ਡਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ

ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ਤੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਰਵਾਜ਼ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਸ਼ਤੋ ਬੋਲਦੇ ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਉਹ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਹੜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੇ ਟਰਕੀ ਸ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾ ਹੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਆਸਰ ਖਾਨ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਾਉਂ ਹੈ ਪਸ਼ਾਵਰ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਮਾਂ ਘੱਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਰਾਚੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਾਂ ਕਰਾਚੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਲਾਰਚੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਰਚੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਕਰਾਚੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਾ ਲੈਵਲ ਥੋੜਾ ਅਪ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲਕਿ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਰਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਫਿਲਮਾਂ ਚ ਕਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫਰ ਸਾਡੇ ਲੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਲੋਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਰ ਦਾ ਹੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਚ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਫਨਕਾਰ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਸਰ ਚਨੋਟੀ ਸਾਹਿਬ जफरी साहब, 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 ठाकुर सारे फिल्म ने ये प्राउड ने। प्राउड बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और बड़ा 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 है कि उन्होंने अच्छा अच्छा काम बड़ा अच्छा ट्रैक चुने जिधर वो चले ने और ये पाकिस्तान नाम बुलंद बहुत शुक्रिया चाहन वाल मैं कि दे चाहते रहो चाहत दनाल मैं जिंदा चाहत नहीं मननी चाहिए चाहत दनाल मैं मेरी चाहत है बिल्कुल इस तरह खुशबू रहेगी फन की खुशबू गाणी खुशबू डांस की खुशबू ड्रामे <laughs> में जो सीन होती है उसकी खुशबू जो हमारे साथ स्टार्स हैं को स्टार्स इनकी खुशबू इनके साथ रहने की खुशबू और ये बहुत प्यारे हैं सलीम साहब और मैंने जब इनके साथ मुल्तान में काम स्टार्ट किया था तो मैं तब से इनकी फ़ैन हूँ और ये इतना अच्छा बोलते हैं इतनी बारीक बात करते हैं और माहौल के मुताबिक ये प्रॉपरली बात करते हैं कि इनको कहाँ बैठ के क्या बात करनी है तो जितने भी मुल्तान के स्टार हैं जैसे आगा जी हैं सलीम है मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ नहीं मैं एक, एक ड्रामा कर गया सी मुल्तान थे, मेरी थे, गया। हाँ, तो मेरी जिंदगी के पांच साल उत्थे गुजर गए तो उन्हें पांच सालों में मैंने आपके साथ काफ़ी काम कर लिया <laughs> नहीं आप तो बहुत माशाल्लाह उधर काम किया है तो हूँ तो मुल्तान वैसे भी ड्रामे घट वी हो रहे हैं लेकिन होंगे है, है। सात अठ मही, महीने पहले मैंने किया वह भाई डोगर साहब भी कराते हैं उसे बाबर थिएटर से हाँ जी हाँ जी तो जी अलबेला चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए और सलीम के साथ जुड़े रहिए थैंक यू सदा खुश रहो इस तरह इंटरटेन करते रहो थो पाकिस्तान का नाम रोशन करो थैंक जी so बहुत मेहरबानी अपना बहुत सारा ख्याल रखना अगली वीडियो फिर मुलाकात होगी Allah आफेर। Allah आफेर। अगर आप हमारी मजीदी देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बैल आईकॉन दबा दें ऐसे करके